हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश के कुछ डिफरेंट वर्ड सीखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नहीं। तो पहला वर्ड है एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, सटीक उदाहरण। जैसे हम मोटिवेशन का नाम लेते हैं तो संदीप माहेश्वरी का नाम आता है दिमाग में, तो उसे कहते हैं कि एपिटमी है वो मोटिवेशन के। तो यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, संदीप माहेश्वरी प्रेरणा के सटीक उदाहरण हैं। संदीप माहेश्वरी इज एन एपिटमी ऑफ मोटिवेशन। अगला वर्ड है रोटंड। रोटंड का मतलब होता है गोल मटोल बॉडी वाला, जिसकी बॉडी गोल मटोल होती है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, उसकी बॉडी गोल मटोल है, हिज बॉडी इज़ रोटंड। अगला वर्ड है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो उसे डिराइड करना कहते हैं। जैसे एग्जांपल भी देख सकते हैं, द पीपल डिराइडेड हिम, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अगला वर्ड है ट्यूमल्चुअस। ट्यूमल्चुअस का मतलब होता है उतार चढ़ाव भरा या बहुत ज़ोरदार। जब किसी का बहुत ज़ोरदार स्वागत किया जाता है तो उसे ट्यूमल्चुअस वेलकम भी कहते हैं, तो इसका दोनों अर्थों में यूज होता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यह उसके जीवन का उतार चढ़ाव भरा समय है, इट इज़ अ ट्यूमल्चुअस टाइम इन हिज लाइफ। अगला वर्ड है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है प्रार्थना के लिए झुकना। जब हम मंदिर में जाकर प्रार्थना के लिए ईश्वर के सामने झुकते हैं तो उसका प्रोस्ट्रेट करना कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, महिला प्रार्थना के लिए ईश्वर के सामने झुकी, द वुमन प्रोस्ट्रेटेड टूवर्ड्स गॉड। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।